आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 2 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पैसे लेकर उनके विरुद्ध ट्वीट करके उन्हें बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का भी संरक्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उस अधिकारी को मेरे पत्र के आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले 3 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन को लेकर अपना सुझाव दिया था। उनका कहना था कि फिलहाल कृषि कानूनों को उन्हीं राज्यों में लागू किया जाए जहाँ इसको लेकर कोई विरोध नहीं है। वे राज्य केंद्र को इसके बारे में लिखकर अपनी सहमति दे सकते हैं। चुनावी रण में जीत हासिल करने के लिए राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी खासा जोर लगा रही हैं। राहुल जहां बीते दिन तमिलनाडु के स्कूल में डांस के साथ पुशअप्स लगाते दिखे, तो अभी उनकी बहन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें प्रियंका गांधी विश्वनाथ के चाय के बागान में पत्तियां तोड़ती दिख रही हैं। वीडियो में प्रियंका गांधी असम के पारंपरिक परिधान में दिख रही हैं, सिर पर पारंपरिक स्कार्फ दिख रहा है, तो उनकी पीठ पर चाय की पत्तियां तोड़ने वाली महिलाओं की तरह से एक टोकरी भी बंधी हुई है। उनके आसपास और भी महिलाएं काम करती वीडियो में दिख रही हैं। प्रियंका गांधी बड़े करीने से पत्तियां तोड़ने के साथ महिलाओं से बात करती भी दिख रही हैं। कोरोना काल में वर्ष 2020 के दौरान भारत में 40 उद्यमी अरबपतियों की सूची में जुड़ गए। इन्हें मिलाकर भारत के कुल 177 लोग अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए। एक रिपोर्ट में मंगलवार को यह कहा गया। दुनिया के धनी लोगों की हुरूल ग्लोबल की इस सूची में कहा गया है कि वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में रही, भारत में 40 लोग अरबपतियों की सूची में पहुंच गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी लगातार सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। उनकी संपत्ति 24% बढ़कर $83 अरब पर पहुंच गई। गुजरात के उद्योगपति गौतम अदाणी की संपत्ति में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020 में उनकी संपत्ति $32 अरब तक पहुंच गई और दुनिया के अमीरों की सूची में उनका स्थान 20 पायदान चढ़कर 48 नंबर पर पहुंच गया। मुकेश अंबानी के बाद वे दूसरे सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। उनके भाई विनोद की संपत्ति 128% बढ़कर $9.8 अरब की हो गई। कोरोना काल में वर्ष 2020 के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई है। दुनिया के धनी लोगों की हुरून ग्लोबल की सूची के मुताबिक आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति इस दौरान 32% घटकर $3.6 अरब की रह गई। ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब कोरोना के विरुद्ध दवा को लेकर पतंजलि आक्रामक नजर आ रही है। वहीं पतंजलि के दावों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में पतंजलि आयुर्वेद काफी सक्रिय है। पतंजलि ने बीते वर्ष जून महीने में कोरोनिल को लॉन्च किया था। इस दवा को लेकर विवाद हुआ, तब इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर प्रचारित किया गया। बीते फरवरी महीने में एक बार फिर कोरोनिल चर्चा में आ गई, जब बीती 19 फरवरी को योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक रिसर्च पेपर लॉन्च किया था। रामदेव बाबा ने कहा था कि कोरोनिल को आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि कोविड के उपचार में सहायक है। हालांकि इसके बाद WHO ने साफ किया कि उसने कोविड-19 के उपचार के लिए किसी भी पारंपरिक दवा को प्रमाणित नहीं किया है। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने यहां दिन दहाड़े बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि गन पॉइंट पर डकैती की इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी
फरार भी हो गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त डकैती की इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त बैंक में कैश का मिलान किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे बैंक के अंदर 7 बैंक कर्मी और 7 ग्राहक उपस्थित थे। अचानक बैंक शाखा के अंदर नकाबपोश 4 अपराधी आए और हथियार लहराने लगे। बैंक कर्मियों को खौफ में डालते हुए इन अपराधियों ने वहां लूटपाट मचा दी। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में टॉप 10 पर कब्जा जमाने वाले उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न केवल बराबर नंबर मिले हैं बल्कि सबकी गलतियां भी एक जैसी हैं। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की ओर से 10 और 11 फरवरी को आयोजित प्रवेश परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि यहाँ एक और व्यापम घोटाला हुआ है। संयोग यहीं समाप्त नहीं होते। व्यापम की ओर से दी गई सूचना के मुताबिक इनकी जाति, कॉलेज और एकेडमिक प्रदर्शन भी लगभग एक जैसे हैं। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन विद्यार्थियों के बदले किसी और ने परीक्षा दी या अन्य तरीके से धांधली हुई है। 862 पदों पर हुई परीक्षा की आंसर शीट 17 फरवरी को जारी की गई है। संभावित चयनित उम्मीदवारों की सूची भी जारी की गई है। परीक्षा में शामिल हुए बहुत से विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि यह राज्य में एक और भर्ती परीक्षा घोटाला हुआ है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95% से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कोविड-19 का टीका लगवाने के दौरान न केवल सहज रहे बल्कि उन्होंने माहौल को विनोदपूर्ण भी बनाए रखा। टीका लगा रही नर्सों का नाम पता पूछा, साथ ही नेताओं की मोटी चमड़ी व जानवरों वाली मोटी सुई को लेकर मजाक भी किया। टीकाकरण के बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने वड़कम नमस्कार भी किया। टीकाकरण कक्ष में उपस्थित नर्सों से प्रधानमंत्री ने मजाक में पूछा कि कहीं उनका इरादा मोटी सुई लगाने का तो नहीं है, क्योंकि नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उनकी चमड़ी मोटी होती है। प्रधानमंत्री के इस कथन के बाद टीकाकरण कक्ष में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंचे तो स्वाभाविक था कि एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों में अफरा तफरी थी। इसका आभास होते ही प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत आरंभ कर दी और उनके नाम और पैतृक आवास के बारे में पूछने लगे। सूत्रों के अनुसार माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने नर्सों से पूछा कि कहीं वे पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली सुई तो उपयोग नहीं करने वाली हैं। नर्सों ने कहा नहीं। हालांकि वे प्रधानमंत्री का मजाक नहीं समझ पाई थी। प्रधानमंत्री ने फिर से यह कहते हुए कि नेताओं की चमड़ी मोटी होती है पूछा कि कहीं उनका इरादा कोई विशेष मोटी सुई लगाने का तो नहीं है। यह सुनने के बाद नर्सों को न सिर्फ हंसी आई बल्कि वे सहज भी हो गई। अस्पताल से निकलने से पहले प्रधानमंत्री नर्सों के पास गए और हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद तथा वड़कम कहा। पेट्रोल डीजल शीघ्र ही सस्ते हो सकते हैं। खबर है कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रहा है। 15 मार्च तक टैक्स घटाने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस पर शीघ्र ही फैसला होगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस समय औसतन 92 रुपये और 86 रुपये के पार है। कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपये के पार है। ऐसे में चारों ओर से बढ़ रहे दबाव से सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। सोमवार को ही सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाना चाहिए। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दोगुना टैक्स लगता है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 महीनों में 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। सरकार लोगों को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा देने की बजाय खुद रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस कर रही है। वित्त मंत्रालय इस संबंध में कुछ राज्यों से भी चर्चा कर रहा है कि वे टैक्स घटा दें।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 2 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 3 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं, नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे, ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप खोल, जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए, सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए, यहाँ वीडियोस, प्लेलिस्ट, सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।